It is not. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम आपसे लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेली करंट अफेयर रिविजन में, तो ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करें हमारे सेशन को एंड लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट NH5 डजंट पास। ऑप्शन ए मंडी, बी सोलन, सी मोगा, डी शिमला। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर कीजिए जल्दी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स? मंडी, ऑप्शन ए जो है आपका मंडी वो नहीं आता है, डजंट पास। ठीक है, अभी खबरों में क्यों रहा उस पर भी बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी विजिटेड। हाँ जी स्टूडेंट, अंजलि जी मंडी कह रही हैं। ठीक है जी, मंडी बिल्कुल सही है। ठीक है, मंडी इसमें नहीं आता। तो अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जिसमें नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स भारत हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किया गया है, जिसमें तकरीबन 220 किलोमीटर का 9 ऐसे जो है कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इस पर तकरीबन जो लागत आएगी वो 6155 करोड़ की लागत आएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, शिखा राज जी मंडी बिल्कुल सही, मंडी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस प्रकार के तकरीबन जो है 11 टनल्स जो है बनाई जाएंगी फर्दर। देखिए, एज यू नो दैट जो मनाली टू ले का जो रूट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत ही जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस रूट की है। तो भारत सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा इस पूरे रूट का डेवलपमेंट कराना चाहती है, इसीलिए नितिन गडकरी जी हैं वो विजिट किए थे हिमाचल प्रदेश। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट एन आइडिया। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा जुड़े स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिपोर्टेड आउटब्रेक ऑफ नोरो वायरस द विंटर वॉमिटिंग बग। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी यूएसए, सी इंग्लैंड, डी जापान। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। योर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्लीज आंसर, और ज्यादा से ज्यादा डेली सेशन के साथ जुड़े। यूके, क्यारा कह रही है यूके, रेणुका सिंह बी बता रही हैं, अंजलि इंग्लैंड बता रही हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी न्यूज है, ऑप्शन सी इंग्लैंड इज द राइट आंसर। हाँ जी अंजलि जी, शिखा राज इंग्लैंड बिल्कुल सही। सो अभी रिसेंटली क्या है, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो कि पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है यूके का, उसकी रिपोर्ट आई है 16 जुलाई को और ये बताया है कि भाई नोरो वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। जितना ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी खबरों में रहा है, बट जितनी तेजी से अभी ये यूके में फैल रहा है, इससे पहले ऐसे केसेस नहीं आए थे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है तकरीबन 154 केसेस इसके दर्ज किए गए हैं रिसेंटली। ठीक है, और पिछले 5 वीक्स में ही, तो बहुत यूके के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो छोटी बात लगेगी। अब इसके अगर सिम्टम्स की हम बात करें, सो वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग होना, डायरिया जो है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है। जनरली क्या है, ये जो वायरस है कंटेजियस है और कंटेजियस वायरस होने के कारण जो है बड़ी तेजी से ये फैल रहा है और ये वायरस जो है आपकी बॉडी में भी सस्टेन नहीं रहता है। साथ ही साथ वॉमिटिंग और डायरिया जो है इसके इसीलिए सिम्टम है कि भाई ये वायरस लगातार जो है बाहर निकलता रहता है और आपको इल कर देगा। नाउसा, हाई टेम्परेचर या पेट में दर्द रहना, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। तो इसको विंटर वॉमिटिंग बग का नाम दिया गया है। ठीक है, विशुल शर्मा सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंडियाज वेट लिफ्टर मीराबाई चानू बैग्ड सिल्वर मेडल इन विच सेगमेंट, वेट कैटेगरी में इन्हें ये मेडल मिला है। ऑप्शन ए 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? अभी रिसेंटली ये मेडल जीता है, पहला इंडियन मेडल ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा?
हेलो प्रियंका, हेलो लीप गर्ल 49 kg, रेणुका जी ये बता रही हैं, ठीक है जी 59 kg, शैलजा जी, शैलजा पठानिया 59 बता रही हैं, नैना ठाकुर, देखिए राइट आंसर जो है वो 49 है स्टूडेंट्स ए, ठीक है, क्लियर है, 49 वेट कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है। तो सवाल जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा कि किसने सिल्वर मेडल पूछा है, किस कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग इन्होंने मेडल जीता है, यहां से भी सवाल आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फिलहाल तो अभी इकलौता मेडल ही भारत ने जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। वी होप दैट वी विल गेट सम मोर मेडल्स इन ओलंपिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बैथम आइलैंड वेयर द लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग फार्म इन द वर्ल्ड इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इज अंडर ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए मलेशिया, बी ब्रुनेई, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? रोजी कौंडल ए बता रही हैं, विक्रम खुराना, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप अभी भी? रोजी कौंडल ए बता रही हैं मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया, लीप गर्ल ऑन इंडोनेशिया बता रही हैं। हाँ जी आंसर कीजिए स्टूडेंट, सिंगापुर, शैलजा सिंगापुर बता रही हैं, सिंगापुर एच एस स्टडी, सिंगापुर बता रहे हैं, क्यारा सिंगापुर, इंडोनेशिया, प्रियंका राणा सिंगापुर। हाँ जी आंसर कीजिए, सो दैट आई गॉट एन आइडिया कि भाई आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ कितना रहे हैं। ये सेशन इसीलिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इंडोनेशिया। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी जो है इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये बैथम आइलैंड जो है यहां पर एक दूरिगैंग रिजर्वियर है, ठीक है, जहां पर सन सनसीप ग्रुप जो कि बहुत फेमस इंडस्ट्री है जो कि एनर्जी प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है, बहुत ही एक्टिवली जो है ग्रीन एनर्जी के प्रमोशन के लिए काम करती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रिजर्वियर, फ्लोटिंग फार्म जो है यहाँ पे सोलर फार्म बनाया जाने की बात की गई है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है कि भाई इस प्रकार का ये पहला होगा, हालांकि इससे पहले भी बहुत से देशों ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाइना भी इस प्रकार से 2017 में फ्लोटिंग फार्म्स बना चुका है, ठीक है। अब इट विल हेल्प अलॉट, सिंगापुर इंडोनेशिया दोनों ही देशों की इसमें बहुत मदद करेंगे। मैं आप में भी दिखा देता हूं आपको कहां पर है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, बैथम आइलैंड जो सिंगापुर का है और वेस्टर्न जो इसका एरिया है, ये वेस्टर्न आप रीजन देख सकते हैं इसका, यहां पर ये जो है आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रकार से ये कुछ दिखेगा, सोलर पैनल्स की मदद से इसे बनाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसमें तकरीबन 2 बिलियन रुपीज का खर्चा आने की बात की है सरकार ने। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया? रवनीत सिंह, विनय भड़वार, प्रमोद शर्मा, नन ऑफ द अबव। चलिए स्टूडेंट्स आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होगा? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? विनय भड़वार बता रही हैं लीव गर्ल। हाँ जी, और अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है, बाकियों को नहीं आता किसी को भी। हाँ जी क्यारा जी रिसीव्ड, विनय भड़वार बी, ठीक है जी, सभी ठीक कह रहे हैं, ठीक है। विनय भड़वार जो है इन्हें ये अवार्ड भी रिसेंटली दिया गया है, चीफ हाइड्रोग्राफर है इंडिया के, वाइस एडमिरल विनय भड़वार। हाइड्रोग्राफर कौन होता है भाई, बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे, हु इज हाइड्रोग्राफर? यस स्टूडेंट्स, एनीबडी एल्स? देखिए हाइड्रोग्राफर जो होता है ये आपके अभी तो जो है ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि भाई सोनार बीम की मदद से जो है 3D इमेजेस कलेक्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोग्राफर का मतलब होता है हाइड्रोलॉजी को स्टडी करने वाला और उसके हिसाब से जो है रिसर्च मैपिंग का काम करना, फ्रदर जो मैप्स बनाए जाते हैं वो उसमें जो है हाइड्रोग्राफर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्टोग्राफी जो है,
कार्टोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट होता है, या कार्टोग्राफर जो होते हैं वो पर्टिकुलर मैप्स को बनाते हैं, मैप्स को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही काम जो है हाइड्रोग्राफी में किए जाते हैं। तो भड़वार जो है आपके वाइस एडमिरल विनय भड़वार, इन्हें अभी बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड इस फील्ड में सम्मानित किया गया है, और वो अवार्ड आपका जो है वो है अलेक्जेंडर डलरेंफेल अवार्ड, ठीक है। अलेक्जेंडर डलरेंफेल जो थे ये स्कॉटिश ज्योग्राफर और हाइड्रोग्राफर थे। आप देखेंगे 17th-18th सेंचुरी में बहुत से जो है यूरोपियन नेशंस डिफरेंट कंट्रीज में विजिट किए हैं, ठीक है। अपने वॉयजेस बेझिझक वो करते थे, किसी बगैर किसी डर के। इसका कारण ये था कि भाई टेक्नोलॉजी उनकी बहुत एडवांस हो चुकी थी, बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ पर हाइड्रोग्राफर्स का, कार्टोग्राफर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो उस समय जो है ये अलेक्जेंडर डलरेंफेल जो थे एक स्कॉटिश हाइड्रोग्राफर थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, बहुत से वॉयजेस में इन्होंने सरकार की मदद की, अपने देश की मदद की। तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इनके नाम भी अवार्ड है जो अभी दिया गया है, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये दिया गया है, ये भी ध्यान रखें, कई बार ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट है, द विलेज लेवल फंक्शनरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्टेट वर कॉल्ड गांव बूढ़ास। ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अरुण चंब्याल के, तो अरुण जी ऑप्शन ही नहीं है। लिपगर्ल असम बता रही है, मेधा कौशल ए बता रहे हैं, ठीक है असम। और स्टूडेंट्स आंसर कीजिए प्लीज। रेणुका सिंह ए बता रही हैं। हां जी शबनम ठाकुर ए बता रही हैं। क्यारा भी असम बता रही हैं। तो राइट आंसर स्टूडेंट जो है वो आपका असम ही है, ठीक है। अभी क्या है, असम में ये चेंज आया है, वहां की कैबिनेट ने गांव बूढ़ा जो होते हैं दे एक्ट एज अ प्रधान, जैसे गांव का विलेज होता है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रास रूट लेवल पे या पंचायत लेवल पे जो रोल प्ले करता है वो गांव बूढ़ास करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही कल्चर से जुड़ा हुआ इनका जो ही ये टर्म थी, तो इसका बहुत विरोध हो रहा है जब कैबिनेट ने नाम बदल दिया। अब कैबिनेट ने जो है असम की जो तर्क दिए हैं इसके पीछे, उस पर भी बात करेंगे कि क्या कारण था कि ये नाम बदला गया है। देखिए ये जो पोस्ट होती थी ये एक हेरिडिटरी होती, जैसे गांव का सरपंच बनाया जाता था, तो ज्यादातर होता क्या था कि भाई सरपंच ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो बहुत एक्सपीरियंस हो, एज्ड हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो जिसको गांव के बारे में पूरी जानकारी है, जिसकी हर कोई बात मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को गांव बूढ़ास असम में बनाया, ब्रिटिश पीरियड से ये जो था ये चला आ रहा था कल्चर। बाद में हेरिडिटरी भी था कि भाई अगर गांव बूढ़ास है तो उनके फ्रदर बच्चे जो होंगे वो भी गांव बूढ़ास बन जाएंगे। बट नाउ टाइम हैज चेंज, और जो क्रिटिसाइज इसका हो रहा है या इसके फेवर में तर्क सरकार ने दिए, वो कहा है कि भाई बूढ़ास को जो है ओल्ड से जोड़ा जा रहा है। नाउ इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एक तरीका है आपके चुने जाने का प्रधान को, तो उसके लिए यंग जो आपके युवा हैं, यूथ है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मैन एंड वुमेन बोथ आर इलेक्टेड। तो अब ये जो बूढ़ा शब्द है ये सही नहीं है, इसलिए सरकार ने इसको हटाने की बात की। अब विरोध इसलिए हो रहा है भाई कि लोग ये कह रहे हैं कि ये कल्चर से हमारे जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है, ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो बूढ़ा का मतलब सिर्फ ओल्ड से ही नहीं है, इसका और भी बहुत मतलब है, और ये हमारे कल्चर से शब्द जुड़ा हुआ है। बूढ़ा का यहाँ मतलब होता है, जो कल्चरली बताया जा रहा है वो है कि एक्सपीरियंस पर्सन या सॉबरन वन, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये विवाद चल रहा है भाई। और अभी अगर हम बात करें डेटा के अनुसार तो 6000 गांव बूढ़ास हैं असम में, ठीक है, और इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पंचायत लेवल पे गाँव को संभालने में, ठीक है। तो अभी स्पेशली कोविड पीरियड में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जितने भी नॉट ओनली इन असम बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ग्रास रूट लेवल पर रूरल एरिया में जो गांव के प्रधान हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। वैक्सीनेशन जो थे कैंप्स को ऑर्गेनाइज कराना या लोगों तक जो है सही जानकारी प्रोवाइड करना, डाटा कलेक्ट करना, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय द हेडमैन ऑफ द विलेज, और असम ऐसे कहा जाता था गांव बूढ़ास। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ जी क्यारा कह रही है बुरा मीन्स बूढ़ा, हाँ जी जनरली वही तर्क सरकार दे रही है
लेकिन कल्चर से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है ना, तो कल्चर से जब कोई चीज जुड़ी होती है एकदम हटाना बड़ा मुश्किल होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता सोशल उस चीज का, तो वही दिक्कत आ रही है। और इसमें जो मैक्सिमम एज भी कुछ इसमें कुछ क्राइटेरिया भी सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई 10th पास होना चाहिए। अब कोई जो भी गांव का प्रधान बनेगा, गांव बूढ़ा के बदले अब गांव प्रधान बनेगा, 10वीं पास होना जरूरी है। मैक्सिमम एज 65 कर दी है और मिनिमम एज 30 ईयर्स कर दी है। तो कह सकते हैं भारतीय पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ी हमारी खामियां हैं कि अपर एज लिमिट नहीं होती है और भाई कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है, वो तो दोनों ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इन टर्म्स ऑफ दिस। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये सवाल है आपके। कहां दिया था फर्स्ट सर्मन? आंसर करें स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करें प्लीज। सारनाथ। रेणुका सिंह डी बता रही हैं सारनाथ, क्यारा सारनाथ, विक्रम खुराना सारनाथ, ठीक है जी, सभी सही कह रहे हैं। शिखा राज सारनाथ, राजेश शर्मा भी डी बता रहे हैं। चले, सो डी इज द राइट आंसर। सारनाथ में अपने पहले जो प्रवचन थे वो लॉर्ड बुद्धा ने दिए थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई एक पार्टनरशिप की गई है, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जो कॉन्फेडरेशन है और भारत के बीच हुई है। सेलिब्रेट किया उन्होंने अषद पूर्णिमा, अषद पूर्णिमा धमा चक जिसे कहा जाता है, ठीक है, 2021 में से सेलिब्रेट किया। तो इसमें याद किया गया कि भाई महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या धर्म के को सपोर्ट करना, या कह सकते हैं जो उनकी फर्स्ट सर्मन थी उनके बारे में बातें की गई, उन पर आपके कह सकते हैं सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है, और एक कह सकते हैं एज अ टोकन ऑफ अषड पूर्णिमा जो है इसको मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है ये इवेंट इतिहास में। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप आई स्टेम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, बी हेल्प इसरो फाइंड यंग साइंटिस्ट, सी एजुकेटिंग यंग चिल्ड्रन, डी नन ऑफ द अबव। हां जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अरुण चंब्याल डी बता रहे हैं, नन ऑफ द अबव। मेधा कौशल ए, लीपगर्ल ए, रेणुका सिंह ए, राजेश जी भी ए बता रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, यस, सो राइट आंसर इज बेसिकली ए। देखिए ये बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है आई स्टेम या इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, ठीक है। इसके माध्यम से क्या है कि भाई जितनी भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं टेक्नोलॉजिकल टेक, साइंस एंड टेक से जुड़े हुए, उनकी रीच जो है रिसर्चर्स तक प्रॉपर होती नहीं है, तो ऐसा प्लॉट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए जहां से रिसर्चर्स जो है इन इक्विपमेंट के तक उनकी पहुंच जो है आसानी से हो सके। अब इसमें एक नया स्टेप, इसका जो सेकेंड फेज है जिसमें जो एक कह सकते हैं एक परिवर्तन लाया गया है, वो ये है कि भाई इंडिजीनियस बिल्ट जो भी साइंस एंड टेक टूल्स और इक्विपमेंट्स होंगे उन तक उनकी लिस्ट या उनका सही डाटा जो है रिसर्चर्स तक पहुंचाना, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिजीनियस टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव हम कह सकते हैं। देखिए सही इक्विपमेंट्स ही नहीं मिल पाते रिसर्चर्स को, ठीक है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं बढ़िया एक स्टेप सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है, हु इज द यंगेस्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विनर ऑफ द ओलंपिक्स? ऑप्शन ए यूतो होरी गोम, बी मोमिजी निशिया, सी मोरजोरी गैस्ट्रिंग, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यस स्टूडेंट प्लीज आंसर। मोमजी निशिया ऑप्शन ए, बी बता रहे हैं सभी, बी बता रहे हैं शबनम ठाकुर, पीसमेकर भी बता रहे हैं, नवीन कुमार भी बता रहे हैं, राजेश शर्मा भी बता रहे हैं।
ये जानबूझकर मैंने सवाल इसीलिए रखा, योर आंसर ऑल द आंसर जो है आपके सभी ने जो आंसर ये किया है गलत है, ठीक है। निशा जो है इन्होंने अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक में मेडल जरूर जीता है बट ये पहली नहीं है, ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन। बर्लिन ओलंपिक आपके 1936 में हुए थे, ठीक है, और उसमें मैरी जोरी गैस्टिंग जो है इन्होंने ये जो था कमाल किया था, 13 साल 238 दिन, तो यंगेस्ट जो बन गई थी इनसे जो आपकी जापान की एथलीट है मोमिजी निशा बड़ी है, तकरीबन 14 साल की ये होने वाली है, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये आंसर आपका गलत है। लेकिन खबरों में इसलिए रही है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में यंगेस्ट ये आपकी मेडल विनर बन गई है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है इस पर ध्यान जरूर रखना, ये फर्स्ट नहीं है पूरे ओलंपिक हिस्ट्री में, इनसे भी छोटी है आपकी, ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि यू एंजॉय दिस सेशन और कुछ नई जानकारियां आपको इस सेशन के माध्यम से मिली होंगी। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट अवर कोर्सेस स्टूडेंट्स। पहला हम कोर्स जो हमारा है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर चुके हैं बट स्टिल कंफ्यूज कि भाई हम मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। तो उनके लिए हमारा ये बहुत ही सुंदर कोर्स है विच इंक्लूड जीएस लेक्चर्स ऑफ 1-3, 140 लेक्चर्स इसमें आपके हिस्सा रहेंगे, नोट्स 116 पेजेस के आपको प्रोवाइड करा जाएंगे, मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे, ठीक है, मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस कोर्स के माध्यम से हो जाएगी एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 8500 रुपीज। नाउ टॉक अबाउट अ सेकेंड कोर्स जो 26 जुलाई से शुरू हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारा फुल लेंथ कोर्स है विच इंक्लूड 200+ जीएस लेक्चर्स। अब स्टूडेंट्स ये हमारा कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि भाई क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारा ये कोर्स है। 200 से ज्यादा जीएस के लेक्चर्स हैं, 75 लेक्चर्स में सीसेट के हैं, टेस्ट सीरीज मेंस प्रीलिम्स दोनों की इसमें इंक्लूड रहेगी, डाउट सेशंस आपके वीकली इसमें रहेंगे, करंट अफेयर्स मैगजीन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इवन मॉक इंटरव्यूज भी इसका हिस्सा रहेंगे, मतलब आपके प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी एंड द अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज स्टूडेंट 22,500 रुपीज। यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं सो दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू बाय ज्वाइनिंग अ कोर्स। साथ ही साथ स्टूडेंट अगर आप ज्यादा अपडेशन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और डेली हमारे सेशन के साथ आप जरूर जुड़े, लाइव ही क्लास रहेगी ताकि जो है मैं डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर पाऊं और डेली करंट अफेयर्स का हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकें जो कि मदद करे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए स्टूडेंट, गुड बाय।